तो कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये वचन पत्र नहीं छल कपट धोखे और झूठ का पत्र है। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। वचन पत्र नहीं बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान, छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। तो कांग्रेस ने जैसे ही अपना वचन पत्र जारी किया बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि ये वचन पत्र नहीं है, ये महा झूठ पत्र है। वीडी शर्मा को आपने सुना, उनका कहना था कि कांग्रेस कहती है कि वो मोहब्बत की दुकान लगा रही है लेकिन वो झूठ की दुकान लगा रही है और आम जनता का रोटी कपड़ा मकान छीन रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस के इस वचन पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि महज चुनाव भर ही ये वचन पत्र जारी किया गया लेकिन इसको कभी भी अमल में नहीं लाया जाता। महिलाओं से क्या वादा किया गया है, युवाओं से और किसानों से क्या वादा किया गया, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं। वादों की बौछार भारी है, वचन पत्र को जारी कर दिया गया जब से। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, वासु हमारे संवाददाता। वासु, एक तरफ जहां कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर चुनावी बिगुल बजा दिया है तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि झूठ की दुकान है, जनता का कपड़ा रोटी मकान छीनना इनकी रणनीति है, अभी किस तरह की हलचल है वहां? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा मध्यप्रदेश का सियासी पारा इस समय चरम पर है क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। मैनिफेस्टो वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट को लेकर जो राजनीतिक दल होता है और जो राजनीतिक दल से संबंधित प्रत्याशी होता है वो जनता के बीच जाता है, घर घर जाता है, प्रचार प्रसार करता है और जनता को ये विश्वास दिलाया जाता है कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो ये हमारा आने वाले 5 सालों के लिए विजन रहेगा। और कांग्रेस ने 1200 से ज्यादा वचन दिए। कांग्रेस ने युवाओं को लेकर इसमें बड़ी बातें की हैं, महिलाओं को लेकर बड़ी बातें की हैं, आदिवासियों को लेकर जो है वो बड़ी घोषणाएं की गई हैं और स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी बड़ी बातें, बड़ी घोषणाएं कांग्रेस की ओर से की गई हैं। तो लगभग कांग्रेस की कोशिश है कि मध्यप्रदेश के तमाम वर्गों को साधा जाए, चाहे वो जातीय समीकरण में आते हों, क्षेत्रीय समीकरण में आते हों। तो इस तरीके का एक जो बड़ा वचन पत्र है वो कांग्रेस ने लॉन्च किया है, मैनिफेस्टो को अपने वचन पत्र का नाम दिया है। और कांग्रेस की जो मुख्य घोषणा है जैसे कि 2018 में थी किसान कर्ज माफी की, वो एक बार फिर से कांग्रेस ने की है। इस बार एक बड़ा ऐलान, अगर आप खेलों की दुनिया की बात करें तो मध्यप्रदेश की आईपीएल की टीम बनाने की बात कमलनाथ ने कही है, खिलाड़ियों को बड़े इनाम देने की बात कही है। इसके अलावा महिलाओं को खाते में 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। पर जो कर्मचारियों का मुद्दा मध्यप्रदेश में बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था, खासा मुद्दा गरमाया था कि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की जाए। कांग्रेस ने उसे अपने वचन पत्र में शामिल कर लिया कि अगर आपने हमारी सरकार बनाई तो पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। लेकिन इस सब पर बीजेपी ने जो है वो करारा हमला कांग्रेस पर बोला है। बीजेपी का ये कहना है कि झूठ का पुलिंदा है। 2018 में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर ऐलान किया था जिसमें कहा गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, मतलब अच्छे वोट्स जनता के मिले। तो क्या इस बार बहुत सी ऐसी चीजें हैं 2018 की ही जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में मेंशन किया है, तो क्या इस बार भी वही मूड जनता का होगा या मूड इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, कांग्रेस ने 2018 में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था वो था किसान कर्ज माफी का, और ये भी पॉलिटिकल एनालिसिस में बात निकलकर सामने आई थी कि किसानों का साथ कांग्रेस को भरपूर मिला था और कांग्रेस के पक्ष में किसानों ने मतदान किया था क्योंकि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा किया था। किसान कर्ज माफी कुछ हद तक हुई भी, जैसा कि किसानों ने जानकारी दी और कांग्रेस के नेता लगातार दावा करते कि हमने पूरी कर्ज माफी की थी, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर सरकार गिर गई और ये क्रम रुक गया। कांग्रेस ने इस बड़े वादे को 2023 के चुनाव में भी फिर से दोहराया है और कांग्रेस ने कहा है कि 2 लाख रुपए तक की किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ सरकार करेगी और किसानों को पूरी तरह से ऋण मुक्त बनाएगी क्योंकि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है, किसान के पास
पास पैसा होता है तो मध्य प्रदेश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, ये सबसे बड़ा बिल्कुल वासु है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर वो कौन से वचन है जो कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल किए हैं। तो एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए आपको चलिए दिखाते हैं वो महत्वपूर्ण वचन, कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण वचन। किसानों को लेकर 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी, गेहूं के समर्थन मूल्य 2600 रुपए, इसके अलावा धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए। 5 महत्वपूर्ण वचनों में ये देखिए, समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाने का भी वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अब आप देखिए 5 महत्वपूर्ण वचनों में बेटी विवाह को लेकर भी इसमें एक वचन शामिल किया गया है। इसके अलावा मेरी बिटिया रानी योजना को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि बेहद ही अहम वचन है। अगर हम बात करें कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण वचन की तो इसमें युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पद भी भरे जाएंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण वचन है और इन 5 महत्वपूर्ण वचनों में इनको शामिल किया गया है। एमपी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने का वादा भी किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल किया गया है। नागरिकों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें दी जाएगी, इसकी गारंटी है। जातिगत जनगणना करवाने का वादा आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी कहा इस बात को लेकर, एमपी को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने का वादा। तो ये वो तमाम वादे हैं। नागरिकों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, तो एक के बाद एक जो वादे, दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल है। तो वो महत्वपूर्ण वादे जिन्होंने जिनको कांग्रेस ने शामिल किए हैं वचन पत्र में आपको बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है।